हमारे साथ फार्मा के उद्योगपति और समाज सेवी दिनेश बंसल जुड़े हैं, उनसे भी इस कार्यक्रम को लेकर के पूछते हैं। दिनेश जी, आज के इस कार्यक्रम को लेकर के आप क्या कहेंगे? मेरा ये सोचना और कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम हर साल होना चाहिए और जो भी लोग हैं सबको बढ़ चढ़ के आना चाहिए, सबको हिस्सा इसमें देना चाहिए। ऐसे लग रहा है जैसे आज पंचकूला जो है वो वृंदावन बन गया हो। हाँ, ये सच है कि सब जगह ऐसी बहार है, फूलों की बहार है, और मैं आशा करता हूँ कि सभी जो हमारे पंचकूला वासी हैं वो जो ये होली का त्यौहार है वो रंगों के साथ साथ फूलों के साथ भी मनाएं। यानी दिनेश जी का कहना है कि कहीं ना कहीं के होली का त्यौहार है, हुड़दंग ना करके और शांति प्रिय तरीके से होली के त्यौहार को मनाया जाए और अपने मित्रों को, रूठों को मनाने का प्रयास जरूर करें, क्यों दिनेश जी? बिल्कुल बिल्कुल, ये यही समय होता है जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, ये ऐसा त्यौहार है जो सबको लेके चलता है। तो मेरा ये मानना है कि ये वक्त ही ऐसा है जिससे सब बिछड़े भी अपने दोस्त बन जाते हैं। जी हाँ, धन्यवाद। जैसा कि अभी हम यहाँ पर आपको आज ये पूरा कार्यक्रम दिखा रहे हैं, श्री कृष्ण कृपा परिवार के सानिध्य के बैनर के तले आज यहाँ पर होली के रंग श्री राधा माधव के संग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हम आपको बार बार एक चीज़ हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आज के इस कार्यक्रम में लड्डू गोपाल मिलन समारोह विशेष आकर्षण का विषय रहेगा। देखते रहिए भारत आज।